तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोसी रिवर, जहां पर आने की कोशिश हम लोग कर रहे थे 3-4 दिन से लगभग, बट रास्तों में नज़ारे ऐसे मिल गए कि हमको रुकना पड़ा। ये देखो यहाँ पे ये रिजॉर्ट बना है, तो ये हमारे मित्र हैं पुराने, यहाँ पर हम अक्सर आते हैं। तो अभी देखते हैं, वहाँ पीछे नदी है कोसी रिवर, वहाँ पर जाते हैं। आज सिंपल भोजन दाल चावल बनाएंगे अपने और खाते हैं। और ये यहाँ पर थोड़ी सी उन्होंने खेती सी कर रखी है, बट हम लोगों का टारगेट वो है उधर पीछे नदी है, और यहाँ पर एक डैन भी है, वो आपको दिखाते हैं आगे। तो गाइस अब हम लोगों ने अपनी जगह चिन्हित कर ली है, डिसाइड कर ली है कि हम लोग कहाँ बैठ के अपना लंच बनाएंगे, और शायद मैं ट्राई करूँगा कि हम बॉनफायर भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा पाएँ बिल्कुल नदी के किनारे। एक लड़का है उससे कहेंगे हम, फिर वो लेके आएगा नीचे लकड़ियाँ, नहीं तो फिर ऊपर चले जाएंगे क्योंकि काफ़ी ऊपर जाना पड़ता है, बेचारे की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो अभी जो जगह फाइनलाइज की है वो आपको दिखाते हैं। कोई आता जाता नहीं यहाँ पर, बिल्कुल भी शांति है बिल्कुल। ये देखो भाई, कोई नहीं, हवा लगातार नहीं चलती है ये। हाँ वो तो कोई जुगाड़ कर लो। हाँ बॉनफायर हम करवाएंगे, क्या बात करते हो। हाँ बिल्कुल, हाँ यहाँ कर लो, सिर्फ सोने बस, उसको तो बताओ मत, वो तो जा रहा है ना। तो ये जगह हम लोगों ने फाइनल की है। मूड बदल रहा है। हाँ लाए हो, टेंट लगा लो, कोई बात नहीं। बट देन आई विल बी अलोन ना। हाँ आई विल, यू विल बी अलोन, एंड यहाँ पर डैन है सामने, आसपास यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। तो ये नदी का किनारा चूज किया है, बिल्कुल फ्लैट लैंड मिल गया हमको, पत्थर है नीचे बढ़िया सा, और ये डैन है, दो डैन है, एक एक उधर है, एक साइड पे उधर। कब आ जाए दोबारा, फिर ऑक्यूपाई हो जाए, अभी राइट नाउ नहीं है। हाँ जी, अभी फिलहाल अगर आप फीलिंग भी लेना चाहते हो तो पैर डुबो के बैठ सकते हो यहाँ पे, तो खाना बनाने वाला भी पैर डुबो के बैठ सकता है। कभी ना कभी तो लेपर्ड में पानी पीने आएगा, उसकी जीप लगी होगी और हम उसकी जीप का ड्राइवर हमारे पैर में लगेगा, तो हम टच कर देंगे, हम भी टाइगर बन जाएंगे। तो पानी देख लो भाई, बिल्कुल साफ है, कोई शोर नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि रोड बिल्कुल ऊपर है, वहां से गाड़ियों की भी आवाज शायद हमको नहीं आएगी, वो अपनी गाड़ियां खड़ी हैं, बिल्कुल सेफ। और ये हम शाम को डिसाइड करेंगे कि रात यहाँ बितानी है या फिर जंगल में बितानी है। तो भाई ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है, कितने सुंदर सुंदर लोग हमारे साथ बैठे हैं, और सुंदर सुंदर कार्यक्रम चल रहा है इधर, जो आप कभी नहीं करते हो। हरी हरी प्लेटें हैं, अभी जंगल से तोड़ के लाए हैं, अभी बनाई हमने प्लेट, ये बिल्कुल पत्ते की प्लेट है, पहली बार ऐसे बर्तन यूज कर रहे हैं, पहली बार तो नहीं वैसे, इस बार यूज किए हैं हमने, लेकिन फिर भी ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पलट के दिखा दो, पलट के दिखा दिया हमने, कह देना जंगल से तोड़ के लाने का मतलब क्या हो, यही वो। और यहाँ पे तड़का कट रहा है, सांजा चूल्हा चल रहा है हमारा, और बनेगी दाल और चावल, शुद्ध देसी भोजन। वैसे किसी को दाल रख देनी चाहिए थी वो चला के, हम तो तुड़का काट रहे हैं, पहले दाल बनेगी। हाँ हम एक्चुअली नेचर को वो कर रहे थे ना। बड़ा वाला कुकर लाए हो? बड़ा वाला कुकर लाए हो? नहीं लाए हो? अच्छा मुझसे पूछ रही है? तुमसे ही पूछ रही हूँ मैं। भूल गए फिर? जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, चावल हटा देते ना। किसमें रखोगे? इसमें रख लेते। अरे नहीं, अरे सही है, सही है जी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ 2 घंटे एक्सरसाइज कराओगे मुझसे। अभी सोचो कि हम लोग अब इसी में करेंगे जो काम। हाँ बस, मतलब वो लोगों के पास ये फैसिलिटी भी मिल गई बहुत है हमें, तो कम फैसिलिटी में ज्यादा वो करना, कम रिसोर्सेज में, ये तो कैंपिंग का उसूल है। तो आज पता लग जाएगा, मक्खी कीड़े मकोड़े इसके ऊपर चावल पे बैठेंगे, ढक देंगे, ढकने देंगे, प्लेट से ढक देंगे। तू टेंशन ना ले, मैं एक्सरसाइज नहीं करनी, बस करो जो मर्जी करे, मिर्ची लगा। तो अभी हमारे लिए लंच से पहले पहले लंच हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट है यहाँ पर। तो सर ने, जो यहाँ के ओनर है, हमारे लिए ये एक वेलकम ब्रेकफास्ट हो गया, और उधर हमारा लंच तैयार होता है, इसको एंजॉय करते हैं, उसके बाद रखते हैं अपनी दाल खाने के लिए। तो फिलहाल करते हैं इसको एंजॉय, पकौड़े और चाय। नीला आसमान, पीछे नदी और सामने तुम्हारी सुंदर सुंदर बीवी। बस ये इसको काट दो, सुंदर सुंदर वाले को काट दो, बाकी सब कुछ सही है, जो जो कहा है। नीला आसमान, ये दिख रहा है, इसके ऊपर बैठ जाओ, इसके ऊपर बैठ के सब्जी बनाओ। रहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये ना हो उसके तेल में गिर गया हो कंकड़ वंकड़ कुछ। तो भाई साहब सीरियस हो जाते हैं, अब सीरियस हो जाते हैं, अभी हम लोगों ने तेल गरम कर दिया है, और उसके बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा। आशीर्वादी बनाएगी, यार मैं नहीं बनाऊंगा, डन। तुम बना ही नहीं रहे हो। हाँ ट्रिप पे तुम बना ही नहीं रहे हो। मैंने बनाया था, तुमने एक बार भी बर्तन नहीं साफ किया।
है? बर्तन साफ करने से कम, बनाने का मतलब खाना बनाने की बात कर रहा हूँ। बर्तन भी नहीं साफ किया तुमने, खाना भी नहीं बनाया और बनाया तो बेकार बनाया। लो कर लो बात, घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी ऑन सीरियस नोट वो तड़का पड़ा है हमारा और दाल बनने जा रही है। बस अब तो सीधे खाते हुए दिखाएंगे, ज्यादा बोर नहीं करेंगे। दाल बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। हवा चल रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो भाई ये अपना तड़का हो गया तैयार, बट हम लोग शायद हैबिचुअल नहीं है कैंपिंग वैन के बिना। हम लोगों को थोड़ा जैसे कहते हैं ना अनकंफर्ट सा लगता है, लगता है पता नहीं अपने घर से दूर आ गए तो बार बार कभी तेल नहीं लेके आए, कभी कुकर प्रेशर नहीं लेके आए, कभी ये नहीं लेके आए, कभी वो नहीं लेके आए, तो दिक्कत हो रही है। तो बेसिकली हम अपनी कैंपिंग वैन को मिस कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि वो खड़ी है ऊपर, ये खड़ी है हमारी गाड़ियाँ। ये देखो बहुत ही सुंदर जगह है भाई। अब शाम को देखते हैं कि कैंपिंग वैन में खाना बनाते हैं या यहाँ पर बॉनफायर के साथ कुछ करते हैं। तो भाई ये हो रहा है लंच हमारा, दही और चावल। मज़ेदार है ना, बढ़िया देसी। कैसा है? बढ़िया, अति सुंदर, अति स्वादिष्ट। भाई हमारा ब्रदर रैम्बल ऑन रोड्स, पंजाबी दा मुंडा ते बढ़िया दा जवाई पंजाबी दा मुंडा, ये हमको छोड़कर आज जा रहा है क्योंकि इसको मतलब जॉब करनी है। अभी ये हमारी तरह रिटायर नहीं हुआ है, रिटायर नहीं हुआ है, अभी पैसा कमाना है, अच्छी सी कैंपिंग वैन बनानी है, बहुत सारी कैंपिंग्स करनी है हमारे साथ, इसलिए इसको जाना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट मंथ दोबारा वापस आएंगे। थैंक्स अ लॉट ब्रदर, ओके आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू, डेफिनेटली मिलेंगे। और भाई इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यार दो, रैम्बल ऑन रोड्स इनके चैनल का नाम है। ये बंदा भी अपना दिल्ली से है ना, दिल्ली, दिल्ली वाले कैंपिंग में छाए पड़े हैं, दिल्ली NCR दिल्ली छाया पड़ा है। और उधर उधर हमारे सर है, हमारे NCR इधर खड़ा है, हमारे सर क्या है, सीनियर सिटीजन नहीं, अपना दूसरा नाम बताओ, वर्चुअल सोशल मीडिया वाला, सोशल मीडिया वाला बैंकर ऑन रोड्स, बैंकर ऑन रोड्स, क्या बात है, बैंकर ऑन रोड्स। तो आपके लिए आपके लिए सरप्राइज, बैंकर ऑन रोड्स नया सनसनीखेज खुलासा करते हैं हम, kelka.com हमारे चैनल पे खुलासा हो गया है। अभी बहुत सारे आएंगे, बैंकर ब्लॉग्स, बैंकर ऑन रोड्स, bankr.com, अभी फिक्स नहीं हुआ बट किसी भी नाम से सर्च कर सकते। ये हमारे सर खड़े हैं इधर राज कपूर वाली टोपी लेके, ठीक है। तो ये है एंजॉय लाइफ विद ट्रैवल, तो ये एंजॉय करते रहते हैं, इनकी स्माइल देखो सब कुछ पता लग जाता है। ये भी आधे हैं, इनका विनोद गायब है। इनका विनोद तभी आता है जब ये सोलो ट्रिप पे होता है, अदरवाइज इनका विनोद चलेता है, इनका तन्हाई का साथी है। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं, वीडियो को नहीं, हमें नहीं पता क्योंकि हम तो भाई घूम रहे हैं अभी, मुझे करते हैं कसार देवी, इनको करते हैं, हम लोग जा रहे हैं कसार देवी जा रहे हैं। ये हमारे साथ अभी नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने जॉब पर जाना है, और फिर कभी जुड़ते हैं सर, बिल्कुल नेक्स्ट मंथ ही जुड़ेंगे जी। गुड ब्रदर, चलो जी, बहुत मजा आया, धन्यवाद, बाय, ओके जी, बाय बाय बाय, ओके जी, हाय 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 हाय, तुम्हारी बाय तो जरूरी है भाई साहब। हम एक अनजान जगह पे आए हैं और ये हमको सर लेके आए हैं, अनजान तो नहीं है, यहाँ पर हम आ चुके हैं कई बार बट इस पर्टिकुलर व्यू पॉइंट पे नहीं आया। इसका नाम क्या है? सुसाइड पॉइंट। सर किसी बढ़िया जगह पे लेके आया करो मतलब ट्रिप कर करके थक गए, सुसाइड पॉइंट पे ले आओ, आप सुसाइड कर लो, सॉरी ये एक्चुअली ग्लाइड पॉइंट है, आप यहाँ पे वो बन जाओ, अच्छा बास बन जाए, और ईगल्स की तरह उड़ता हो जाओ, उस वहाँ पे पहुंच जाओ, अच्छा अच्छा हम भी ईगल्स बन जाए। वो देखो नीचे रोड भी है भाई, अच्छा भाई बढ़िया, शांति बढ़िया भाई। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो श्रीमती जी पूरा रिलैक्सिंग मोड में आ चुकी हैं क्योंकि अब हम किसी के घर पहुंच गए हैं और घर का नाम लेते ही कैंपिंग का जो एक पेस होता है वो टूट जाता है, ठीक है। तो हम लोग जब कोसी रिवर से निकले थे तो हमारे जो मित्र हैं सत्या जी, उन्होंने ग्राउंड सजेस्ट किया था, लेकिन वहां जब हम पहुंचे तो वहां पे हो रही थी शादी, शादी हमारे साथ हल्द्वानी में हुआ, शादी हमारे लिए साबित होती है बर्बादी। दो ग्राउंड हमारे ऐसे चले गए और अब वहां से छोड़ के सत्या जी के ये फ्रेंड है जिनका ये घर है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ आ जाओ, उनके फ्रेंड यहाँ है नहीं बट केयर टेकर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आराम से 4-5-6 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। हम लास्ट के 2 दिन हम लोग यहाँ बिताने वाले हैं, इनका हम सिर्फ वॉशरूम इस्तेमाल करेंगे,
बाकी खाना पकाना या सोना सब कुछ हमारा हमारे कैंपिंग वैन में ही होता है। इनकी लोकेशन क्या है? इनकी अगर आप अल्मोड़ा आते हो तो अल्मोड़ा में आपको डालना है दीना पानी ग्राउंड। ये दीना पानी ग्राउंड एक तरफ चला जाता है और उससे सीधा आते हो जब उस वे में तो यहाँ उनका ये घर है। लेकिन हम किसी को नहीं सजेस्ट करेंगे कि वो यहाँ है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है किसी की। तो अगर आप इनको जानते होंगे, ये हमारी मित्र मंडली के लिए, मित्र मंडली के लिए है, सही बात है। तो फिलहाल अगर आपको नियरेस्ट लोकेशन चाहिए इस पर्टिकुलर प्लेस से तो वो है दीना पानी ग्राउंड। आप वहाँ पे जब मर्जी चाहे आ सकते हैं। और एक हैंडलूम्स है कुछ पास में ना, हिमादरी हैंडलूम्स के पास में है वो ग्राउंड दीना पानी, तो आप यहाँ जब चाहे आ सकते हो। वो एक कैंपिंग लोकेशन है। तो अभी हम अपने मित्र के घर पर दो लास्ट के दिन इंजॉय करेंगे और कल शायद जाएंगे कसार देवी टेम्पल। कल पता नहीं, आज कुछ पता नहीं, कुछ भी कंफर्म नहीं। अभी कसार देवी टेम्पल जाएंगे, वहाँ पर थोड़ी अपने दिमाग को शांति देंगे क्योंकि ट्रिप हमारी एंड हो चुकी है। हम लोग थक चुके हैं बिल्कुल। अभी गर्म गर्म पानी से स्नान करके आए हैं जो हमारे मित्र द्वारा हमको प्रदान किया गया है यहाँ पर। तो कुछ नहीं, अब देखते हैं, थोड़ी बहुत कॉफ़ी शॉफी बनाते हैं, उसके बाद रात को देखेंगे, शायद पास्ता बनाएंगे। आज मैं पूरे रिलैक्सिंग मोड पे हूँ। आज खाना भी ये बनाएंगे और बर्तन भी ये साफ करेंगे, मैं कुछ नहीं करूँगी आज। देख लो, मेरा डिक्लेरेशन है, जैसे मैंने डिक्लेरेशन है कॉफी का नाम लिया। देखो, इसको पता है मैं कॉफी बेकार बनाता हूँ, फिर भी नहीं। डिक्लेरेशन है, कॉफी का पाउच निकालो, उस पर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, दूध आगे पड़ा हुआ है, बर्तन सारे पीछे हैं, बाकी तुम्हें सब पता कौन सी चीज़। उसमें चीनी नहीं डालनी होती ना? डालनी होती है। इंस्टेंट कॉफी में चीनी पड़ती है? पड़ती है। तो तू यहाँ से, ये देखो, ये तो मेरी बैल्कनी बनी है। इंस्ट्रक्शन देती जाऊँ, यहाँ से बताती रहना, मैं बनाता रहूँगा, ठीक है? सो गाइज, मेरे प्यारे प्यारे हॉट हॉट पति ने हमारे लिए हॉट हॉट गरम गरम शाही पनीर पास्ता बनाया है। लो जी, पनीर डाल दिया, उसका नाम शाही पनीर कर दिया इसने। तो अब क्या करूँ, उसमें क्रीम और टमाटर है मेन इंग्रेडिएंट्स। टेस्ट तो वही रहेगा ना, तो शाही पनीर पास्ता ही होया। नहीं, इटालियन पास्ता कहो। हाँ चलो, इटालियन पास्ता बनाया विद विच इंक्लूड्स क्रीम, टमाटो प्यूरी, पनीर। ठीक है अब? ठीक है, देखो शक्ल, देखो पहले शक्ल दिखाने दो सबको मुझे, प्यारी प्यारी सी। देखो आ रहा है मुंह में पानी, ये देखो कितना औसम कलर है, देखो ये देखो कितना औसम लेयर्स, देखो जो पनीर उसकी क्रीम की लेयर्स, क्रीम की वजह से ऑयल आ जाता है ना जो, उसकी लेयर्स देखो कितनी मस्त लग रही है। आज हमने सोचा हल्का खा लेते हैं, थोड़ा हल्का है क्रीम वाला है। और यहाँ पे हमारी बॉन फायर हो गई है स्टार्ट। अब हमारी इस लीसा ने हमारी बहुत हेल्प की है आग लगाने में। लोग सोचते रह जाएंगे कौन है जो आग लगा रही है, लीसा जो आग लगा रही है। और यहाँ पे हमारे तूर साहब जी ने फैसला किया जो हल्का खाएंगे, तो उन्होंने गाजर का, आलू का और गोभी का प्रयोग करके दलिया बनाने का डिसाइड किया है। ये रहा दलिये का पैकेट। तो तूर जी और हमारे सत्या जी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आराम से रिलैक्स कर रहे हैं। नहीं हाँ, सत्या जी, बस सत्या जी और लीसा का एक ही काम है, ये लोकेशन का नियोजन ही इन्होंने किया है। नहीं, सत्या जी और लीसा का सिर्फ एक काम है, आग लगाना, बस यूं ही आग लगाते, तभी तो दोनों पार्टनर्स हैं, इकट्ठे मिलके काम करते हैं। नो जोक सपाट, लीसा इज अ केमिकल विच इज यूज टू टू गिव फायर टू लकड़ीज, मतलब फायर स्टार्टर है, अंग्रेजी खत्म होगी हमारी। तो फायर स्टार्टर है, तो उसका इस्तेमाल करके बहुत मुश्किल से जाते हैं, और लकड़ियां इकट्ठी करके लकड़ियां काटना और जलाना बहुत मुश्किल काम है। तो सबसे ज्यादा काम हमारे सत्या जी ने किया, प्यारे प्यारे। तो अब हम लोग खाना खाने बैठ रहे हैं क्योंकि हमारा पास्ता तो हो चुका है रेडी, अब इनका खाना भी बनना तैयार है। अभी बहुत जरूरी है, हाँ, मैंने क्या करा? क्योंकि मौसम हो गया बहुत ज्यादा ठंडा। अब हम बैठ के आराम से अपना पास्ता एंजॉय करेंगे, आप हमारा वीडियो एंजॉय कीजिए। ये देखिए, सुबह सुबह स्नो पीक्स के दर्शन हमारी कैंप साइट से। और अभी आई थिंक सुबह के 7:30 बजे और पूरी स्नो पीक्स यहाँ से दिख रही हैं, बट हल्के हल्के बादल हैं, काफ़ी दूर है हमसे, बट खुशी होती है देख के, आपकी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हो जाती है। ये देखो कितनी खूबसूरत है भाई, अभी आपको दिखाते हैं कितनी दूर है हमसे। ये देख लो भाई, इतनी दूर है हमसे ये। सुबह सुबह का कार्यक्रम चल रहा है, सर बर्तन मांज रहे हैं, सत्या जी धूप सेक रहे हैं। सत्या जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया निकल गई रात आपकी मेहरबानी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
और सर सुबह सुबह देखो सबसे मेहनती सर हमारे, सुबह सुबह अपने बर्तनों को री धोया इन्होंने, धोया नहीं है री धोया है। तो दोबारा क्लीनिंग करी है बढ़िया से, क्योंकि अब हमारा बिल्कुल लास्ट दिन चल रहा है आज, तो एक बार दोबारा क्लीन करके फिर अपनी गाड़ी में रखेंगे। तो अभी हमारा थोड़ा प्लान है कि हम लोग चलते हैं कसार देवी। पानी शायद भरा नहीं होगा अभी ऊपर, नीचे से नहीं, अभी डायरेक्ट नहीं आ रहा है, नहीं अभी पानी टाइमिंग होती है 4 बजे आएगा, टाइमिंग पे आता है। हाँ